और सर मैं बस ये कह रही थी सर कि उस जगह से थोड़ी दूर में बस रहना चाहती हूँ साथ में सर, इनके भैया भाभी का सर इंटरफेयर रहता है हमारे जीवन में, इसलिए बोल रही थी सर। सर मैं वहां से हट के नहीं रह सकता, मम्मी साथ में रहती है सर, और बुजुर्ग है वो, अब हाँ बेड में सर दोस्तों, अभी तो आप फिलहाल देख रहे बेड हैं रेस्ट है। हमारा YouTube चैनल फर्स्ट ऑफ मई 2000 पर सर, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे 1 मई 2013 YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कितने साथ दिन में रहे? घंटी साथ वाला बटन भी साथ दबा में कितने दीजिए दिन रहे अंदाज? ताकि आने वाले समय पर हमारे वीडियो का सर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सर 2 साल इसलिए सर पहले तो वीडियो साथ हाई में थे, कोर्ट फिर के उसके बाद जहां सर मतलब अलग हुए कंपनी सर, के फिर चार 2018 में फिर हाई सर कोर्ट में पहुंचा गई था, थी सर मैं इनके फिर घर, वहां पर साथ पहुंचा में था, थी किस लिए पहुंचा था, परिवार, तो और 2015 में लिख रहे अल्टीने हैं। कोर्ट में जज बैठक साहब के हुई, सामने डिस्प्यूट क्या कब कहा से चालू हुआ? आप इस वीडियो में देख जी सकते हैं। आप इस डिस्प्यूट वीडियो में विवाद कब हमारे से साथ चालू हो बने गया दोनों रहे। के बीच? जी सर इसलिए शादी के सर 2 साल बाद कि से ही कोर्ट में क्या सुनेंगे। बहस हुई तो 9 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, 13 का मैरिज है, 2 साल बाद से डिस्प्यूट चल रहा है, अलग क्या चाहते हैं? अलग कब से रह रहे हैं? पूरा 9 साल हो गए ये सर। जी सर तो अभी के नहीं व्हाट दे वांट बेसिकली, अभी तो इतने साल अलग हो गए, हम यदि डिक्री अलाउ भी करेंगे डिसमिस करेंगे व्हाट एवर, आप लोगों को मिलेगा क्या दोनों को? सर, मैं तो रहना चाहती हूँ सर इनके साथ, पर रखना नहीं चाहते सर ये। और सर मैं बस ये कह रही थी सर कि उस जगह से थोड़ी दूर में बस रहना चाहती हूँ साथ में सर, इनके भैया भाभी का सर इंटरफेयर रहता है हमारे जीवन में, इसलिए बोल रही थी सर। आपस में सेटल कर लेना। आप देखिए जबरदस्ती तो रह नहीं सकते, नहीं आप आपका क्या कहना है? सर मैं वहां से हट के नहीं रह सकता, मम्मी साथ में रहती है सर, और बुजुर्ग है वो, अब बेड में सर अभी तो फिलहाल बेड रेस्ट है। सर मैं साथ में मम्मी को रखने के साथ में ही रहूंगी सर, मम्मी के साथ में ही रहूंगी, लेकिन सर बस उस घर से सर 2 4 घर बाद भी सर अगर ये रहते हैं लेकर मुझे, तो मैं रहने के जब लिए हाई तैयार हूँ कोर्ट सर, में जज बस ये कह साहब रही ने थी। लड़के से पूछा कि यहाँ तो आपके पलक लगाना कंडीशनल रहने के चाहते लिए हैं तैयार है, मतलब वो भी और कैसे पत्नी चलेगा? को क्यों छोड़ना चाहते हैं अपनी, नहीं सर अलग घर पे क्योंकि रहना चाह रहे कहा हैं कि सर जहाँ रहते हैं अगर सर वो भी सर मैं इनका तो पत्नी है को नहीं नहीं सर, इनके छोड़ता भैया तो कह रहे थे कि उनका है पत्नी सर, को छोड़ तो सकता हूँ? बाद में मुझे सर पत्नी भविष्य मेरी में कोई माँ है, परेशानी हो बुजुर्ग सकती है है, सर, इसलिए बोल रही थी सर। और मैं उनके आप अपने साथ मायके रहता के हूँ, पास रहना चाह वो रही हैं? मेरे साथ रहती जी हैं, आपका थोड़ी मायका कहाँ देखभाल है? के लिए काफम मायके पेरेंट का घर किधर है? लड़के ने सर कहा यही है मेरी सर, बात लोकल कही, जहाँ बिलासपुर, ये रहते हैं जज उसी साहब के ने अपनी आसपास है बात क्या? सुनी तो जी सर 1 किलोमीटर सर दूर में। आप कहाँ रहना क्योंकि चाहती आपका हैं? कोई भी सहारा इनके अभी नहीं है, जिस घर में रह रहे वहां या मैं अलग उनके घर में? पास रहता हूँ, सर उनके थोड़ा देखभाल के अलग लिए। रहना क्यों चाहती हूँ सर दूसरे आप में इस वीडियो सर, में इनके बोल भैया सकते भाभी का हैं? इंटरफेयर रहता है सर, बहुत लड़के ने परेशान क्या करते क्या हैं कहा कोर्ट सर, में इसलिए जज साहब के सामने, तो तो आप मतलब आगे इनसे सर प्रॉब्लम इस नहीं है, वीडियो इनके में भाई लगातार बहनों बने से रहें, प्रॉब्लम है? जी सर वो भी आप इनको पता देखें नहीं सर क्या कहते कि हैं आज और ये भी परिस्थिति झगड़ने में लग जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। कितना उसके परेशान बिना आप करते नहीं हैं रहेंगे अपनी सासों को, अगर उसी जी घर में वीडियो रहते में तो देख आप नहीं सकते हैं बने जाएंगे? रहें हमारे जी नहीं साथ इस सर, वीडियो फिर में देख सर वही सकते हैं। झगड़े वगैरह होंगे सर, विवाद बार बार। मिस अपोजिंग, ये जाना नहीं चाहते, अलग नहीं होना चाहते, तो क्या आप वहां पे जाना चाहते हैं? वहां पे नहीं रहेंगे? नहीं सर ये तो बोल रहा नहीं हटेंगे वहां से, तो फिर क्या करेंगे फिर ऐसा दोनों? ये तो कंटिन्यू करके व्हाट इज द पॉइंट अल्टीमेटली? अब तीसरे घर में यदि रह रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी माँ बेड रिडन है, क्या नहीं सर, माँ को तो साथ में ही रहना है सर, उनको तो मेरे साथ काम ही। करते हो आप? सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर वकालत में। अपना काम करते हुए बाहर जाएंगे कि मदर को देखेंगे? और आप क्या करती हैं? नहीं सर मैं अभी कुछ नहीं करती सर, वही मदर के पास रहिए, क्या क्या दिक्कत है? मैं रहना सर मैं मम्मी को लेकर साथ रहने में को रहना तैयार हूँ चालू सर, करिए अगर पॉसिबल है अच्छे से। मैं उनकी सेवा देख रेख करने को तैयार हूँ सर, ऐसा नहीं है कि इनका एलिगेशन है आप बार बार मायके चले जाती हैं। इनका नहीं सर, ऐसा नहीं है सर जो आवेदन है इसमें लिखा सर, है ये बल्कि झगड़ा करते हैं और बल्कि ये वहां से भगा देते हैं सर। आप दोनों के बीच में कोई सेटल कर सकते हैं? यदि साथ रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई और तरीका है आपस आप में? चाहते हैं अलग रहना, ये बोलते हैं अलग नहीं रहेंगे, तो रास्ता क्या निकलेगा? हम तो कोर्ट से ऐसा ऑर्डर तो कर नहीं सकते, नहीं साथ में रहो, नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, ये सेपरेट होना है या साथ में रहना है तो साथ में रहिए।
वो कंडीशनल वैसा कैसे होगा कि यहां से यहां रहेंगे तभी रहेंगे? 9 साल हो गए और कितने साल लिटिगेशन चलेगा? अपनी एज तो बढ़ाए जा रहे हैं दोनों। जब हाई कोर्ट के जज साहब ने मीडिएशन भी करना चाह रहे कोई सेटल भेज दें क्या मीडिएशन अलग रहना चाहते टू हैव अ डायलॉग ने जज साहब से कहा डिटेल डायलॉग इनके साथ रहे या कुछ ऐसा तय कर ले अगर 13 बीम जाना हो या कुछ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते फिर क्या जबरदस्ती हमें डिक्री भी दी खारिज भी करते हैं डिसमिस भी करते हैं आप जाके रहेंगे क्या कोर्ट के सामने ये सोच लीजिए ये सोच के ही बुलाए थे आप अपने पति के साथ अलग वो आप लोगों के ऊपर है अभी डिग्री नहीं मिली अभी तो डिग्री है नहीं अभी दोनों मैरिड है क्या कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं और बने रहे हमारे साथ मेडिएशन के लिए बोल दीजिए थोड़ा बात कर मेडिएशन के लिए सर कर दीजिए असल में साथ यदि पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कोई एक पक्ष तैयार नहीं हो रहा है किसी भी तरह से रहने के लिए तो सिर्फ खींचना है टाइम ही खींचते रहना है हमको जो कानूनन डिसाइड करना कर देंगे उससे आपको फायदा किसी को नहीं होगा दोनों को मतलब आपको या इनको दोनों को तो जबरदस्ती तो इनको भी हम नहीं बोल सकते एक यहाँ पे जाके रहो आप जहाँ चाह रहे हैं आपको भी नहीं बोल सकते वहां रहो दोनों बराबर भाई डायलॉग डिटेल डायलॉग बोथ आर एडमेंट आई थिंक बताइए कुछ ऐसा बट कैन इट बी केप्ट इन नॉटरीज वी इन द मीन टाइम वी हां नॉटरीज में ही रख देते हैं ठीक वी विल वी बोथ विल हैव अ डिटेल्ड डायलॉग विद आवर क्लाइंट हां व्हाट इज द पॉइंट इन दैट इफ दे गिव वी कांट फोर्स इवन द बाय जुडिशियल ऑर्डर वी कांट आस्क द पार्टीज टू अंडर द वन शेल्टर इवन इन द इट इज ऑल स्टेट ऑफ माइंड हस्बैंड एंड वाइफ इट इज स्टेट ऑफ माइंड इवन इफ देयर इज अ डिग्री अंडर सेक्शन 9 आल्सो then also nobody can force them to is all state of mind jahan par ladke ne kaha ki main apni maa ko nahi chhod sakta patni ko to chhod sakta hu karte hain notice mein rakh do main unke saath after brief interaction of the parties we deem it proper to fix it after 3 weeks aisa kar de so that you get a breather karte hain obvious परेशान करते हैं we will explain both the parties are present in the discussion after we brief interaction we will explain each and everything to them in detail so that साथ में बैठ both are they he don't want to come out and she don't want to go back what is the meaning आपको मिलता रहे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर हम अपने YouTube चैनल पर हाई कोर्ट से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं